कोई अगर अपने जीवन का लक्ष्य वेल्थ क्रिएशन बनाता है तो उसका जीवन भी बदल जाता है, वो 24 घंटे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटा रहता है। ऐसे ही जब जीवन में फिटनेस के प्रति अवेयरनेस आती है, हेल्थ कॉन्शियसनेस आती है, मन एक बार तय करे कि भाई मैं बिल्कुल ही कभी थकूंगा नहीं, कभी सांस फूलेगी नहीं, चलना पड़ेगा चलूंगा, दौड़ना पड़ेगा दौड़ूंगा, चढ़ना पड़ेगा चढ़ूंगा, रुकूंगा नहीं, आप देखिए धीरे 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 आपकी जीवन दिनचर्या भी वैसी बनना शुरू हो जाती है। और फिर ऐसी चीजें जो शरीर को नुकसान करती हैं उससे वो व्यक्ति दूर रहता है, क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, जागरूक हो जाता है, जैसे वो ड्रग्स की गिरफ्त में कभी नहीं आएगा, उसके लिए कभी ड्रग्स कूल नहीं होगी, स्टाइल स्टेटमेंट नहीं बनेगी। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि अगर जीवन में पर्पज हो, पूरे पैशन के साथ उसके लिए काम किया जाए तो अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में आपके जीवन में आ जाते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए हमारे भीतर एक जुनून, एक इच्छा शक्ति, एक लगन का होना भी उतना ही जरूरी है। जब एक पर्पज के साथ, पैशन के साथ हम काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सफलता हमारे कदम चूमने के लिए तैयार हो जाती है। और सफलता पर आपने वो कहावत भी सुनी होगी, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। यानी इस कहावत में भी आपको सीढ़ी के कदम चढ़ने के लिए कहा गया है। स्टेयर्स तो आप तभी चढ़ पाएंगे जब फिट होंगे, वरना लिफ्ट बंद हो गई तो सोचेंगे यार आज नहीं जाएंगे, कौन चौथी मंजिल पे जाएगा। भाई और बहनों, सफलता और फिटनेस का रिश्ता भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज आप कोई भी क्षेत्र लीजिए, अपने आइकॉन्स को देखिए, उनकी सक्सेस स्टोरीज को देखिए, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, फिल्मों में हो, बिजनेस में हो, इनमें से अधिकतर फिट है। ये सिर्फ संयोग मात्र नहीं है, अगर आप उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि एक चीज ऐसे हर व्यक्ति में कॉमन है, सफल लोगों का कॉमन कैरेक्टर है फिटनेस पर उनका फोकस, फिटनेस पर उनका भरोसा।